हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ये नाम है, ये तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है, तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुमने 10th क्लास में, बताता हूँ किस टॉपिक में पढ़ा है। तुमने इसको पढ़ा था जनरेटर में। जनरेटर में एक आर्मेचर होता था, वो जब आर्मेचर घूमता था तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता था। तो अपन इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे इन अ जनरेटर। इस फिनोमेना को अपन बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही अपन इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। लेकिन वहां तक आने से पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आने से पहले, हम कुछ टर्म्स पढ़ लें जिनका इसमें यूज होने वाला है। मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें सबसे पहले। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब देखते हैं क्या होता है। यदि सपोज अपन ने एक कॉइल ली, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा, एक कॉइल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो इस कॉइल में से पास कर रही है। जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कॉइल में से नॉर्मली गुजर जाती हैं, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास कर जाती हैं, उन टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ कॉइल। किसी कॉइल में से परपेंडिकुलरली जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर जाती हैं, उसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन फाई से डिनोट करते हैं। अब सपोज यदि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो कॉइल के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तब अपन फ्लक्स कैसे निकालते हैं। सपोज जैसे कॉइल हमारी ऐसी है, पर मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जैसे अभी बनाई थी मैंने, सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस कॉइल के ऊपर अपन ने एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जैसे ये कॉइल है उसके ऊपर ऐसा नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर। ये जो कॉइल के ऊपर नॉर्मल है वो सपोज ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये नॉर्मल है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब इस कॉइल का एरिया, थीटा थीटा का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और इस कॉइल के ऊपर बनाए गए नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर के बीच का एंगल। तो हमें बी पता है, ए पता है, और यदि दोनों के बीच का एंगल थीटा पता है, तो अपन यहां रखकर फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह तब हुआ जब कॉइल सिंगल है। यदि मान लो कॉइल में ऐसे एन टर्न्स हैं, सिर्फ ऐसी एक सिंगल कॉइल नहीं है, एक उसी के ऊपर, दूसरी उसी के ऊपर, तीसरी ऐसी बनी हुई है, तो यदि एन टर्न्स हैं, फॉर एन टर्म्स फ्लक्स हो जाता है एन बी ए कॉस थीटा। एन टर्म्स के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये, जहां थीटा हम याद रखेंगे, थीटा एंगल है किस किस के बीच में, कॉइल के ऊपर बनाए गए नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, ये तो फ्लक्स हो गया। फ्लक्स की यूनिट, यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, वेबर का शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू बी, ये फ्लक्स की यूनिट होती है। फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। अब यदि मान लो तुमसे पूछा जाए कि फ्लक्स की डायमेंशन बताओ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायमेंशन मैं तुम्हें निकाल के बताता हूं क्या होती है।
अपन ने जो भी फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा एन बी ए कॉस थीटा, उसी से अपन फ्लक्स की डायमेंशन निकाल सकते हैं। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा फाइ इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। अब यदि फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी है तो तुम्हें पता है तुम्हें इन सब की डायमेंशन रखनी पड़ेगी। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स तो नंबर होगा एक प्योर, जैसे टू टर्न्स, थ्री टर्न्स, ट्वेंटी टर्न्स, हंड्रेड टर्न, उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं रखनी है। कॉस थीटा, थीटा यदि मान लो 30 डिग्री है तो कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2, वो भी एक प्योर नंबर है, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं। तो बची क्या? बची ये दो क्वांटिटी। तो यदि अपन को b और a की डायमेंशन पता हो, वो अपन यहां रख दें तो phi की डायमेंशन आ जाएगी। अब b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अपन कैसे निकाल सकते हैं? हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। अपन यहां से बी की वैल्यू निकाल लें तो बी हो गया एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये बी की वैल्यू आ गई। ये जो बी की वैल्यू आई, इसको अपन यहां बी की जगह रख देंगे, ए की जगह एरिया की डायमेंशन रख देंगे, तो फ्लक्स की डायमेंशन निकल आएगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया एन, बी की जगह रखा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये बी का फॉर्मूला बी की जगह रख दिया मैंने, ए ऐसे ही है, कॉस थीटा ऐसे ही है। अभी फॉर्मूले में वैल्यू बस रखी है, एन और कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया था, उसको अपन अब यहां यूज कर लेंगे। अब डायमेंशन निकाली अपन ने फ्लक्स की, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया एन की कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो नहीं रखना। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो नहीं रखना। ऐसे ही देख रहे हो साइन थीटा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो भी नहीं। तो कुल मिला के डायमेंशन रखनी किस किस की है? फोर्स की, एरिया की, चार्ज की और वेलोसिटी की। फोर्स एफ, फोर्स की डायमेंशन 11th में पढ़िए, एम एल टी माइनस टू, मास इनटू एक्सेलरेशन। ए एरिया है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड, उसकी डायमेंशन एल स्क्वायर अपॉन। क्यू चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन अपन करंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तुमने पढ़ा है करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई होता है क्यू बाई टी। तो क्यू का फॉर्मूला कितना हुआ? आई इंटू टी। क्यू की डायमेंशन यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगी? करंट की डायमेंशन वो ए होती है, कैपिटल ए। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। तो चार्ज की डायमेंशन होगी ए टी, इसको अपन याद रख देंगे ए टी। v की जगह वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन रखी एल टी माइनस वन, ठीक है। ये f रख दिया, ये a की डायमेंशन रख दी, ये q की रख दी, ये v की। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, l से ये l कट गया, ये हो जाएगा m l स्क्वायर, t की पावर ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, ये कट गया। यहां बचा t की पावर माइनस 2, a को ऊपर ले गए तो a टू दी पावर माइनस 1, ये तो ये बन गया फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्म। आगे फ्लक्स के डायमेंशन, तो अपन ने क्या पढ़ा कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी कॉइल से नॉर्मली पास करती है, उसको अपन बोलते हैं फ्लक्स। यदि मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं वो होता है बी ए कॉस थीटा, सिंगल टर्म के केस में, एन टर्म्स के केस में एन बी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स हो गए। फ्लक्स की यूनिट वेबर, फ्लक्स की डायमेंशन अभी निकाल के बताई मैंने तुम्हें, ये फ्लक्स की डायमेंशन। गॉट इट? अब बच्चों अपन देखते हैं फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स। तीन एक्सपेरिमेंट करे थे फैराडे और हेनरी ने
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को समझाने के लिए देखते हैं अपन पहला एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कॉइल लिया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसमें अपन को पता है निडल होती है, निडल का डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ये एक मैग्नेट लिया, उन्होंने क्या करा इस मैग्नेट को इसके पास में लेकर आए। जैसे ही वो मैग्नेट को इसके पास में लेकर आए तो उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। गैल्वेनोमीटर की निडल का डिफ्लेक्ट होना ये इंडिकेट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो ये करंट आया कहां से, इसमें से, इस मैग्नेट में से जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही थी जिसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में से जा रहा था। जैसे अपन मैग्नेट को पास में लेकर आए तो इसमें से जाने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो बढ़ जाएंगी, जैसे जैसे अपन मैग्नेट को पास में मूव करेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ वैसे ही गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट हो गई। इससे क्या कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ करा, कंक्लूजन ये ड्रॉ करा कि जब कभी किसी कॉइल में से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होता है। क्योंकि ये करंट इंड्यूस हुआ है मतलब किसी कारण से प्रोड्यूस हुआ है, इसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये था उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिससे उनको ये पता चला कि जब कभी किसी कॉइल में से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ पहले भी पढ़ा है तुमने, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्टेज। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करने लगा, जिस करंट को अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मैग्नेट नहीं लिया, जो पहली कॉइल थी वो तो वैसी की वैसी ली, लेकिन उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने के लिए जहां पिछली बार मैग्नेट का यूज करा था, इस बार मैग्नेट का यूज ना करते हुए एक सेकेंड कॉइल ली C2, जिसको बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, तुम्हें दिख रहा है बैटरी से करंट जाएगा इसमें। करंट जब जाता है किसी कॉइल में तो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सोलेनोइड में पढ़ा हमने B=μ0 Ni। तो इसमें जब करंट जाएगा उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाने लगी, क्योंकि सेकेंड कॉइल इसके पास में रखी है तो वही लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से भी पास करेंगी। अब यदि अपन इस कॉइल को मूव करते हैं, यदि अपन इस कॉइल को मान लो पास में लेकर आए तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से जा रही थी उनका नंबर बढ़ जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन ने कॉइल को पास में लेकर आए थे तो हमने देखा फ्लक्स चेंज हुआ, गैल्वेनोमीटर की निडल मान लो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। अब अपन क्या करेंगे, कॉइल को जहां हम पास में लेकर आ रहे थे अब दूर ले जाते हैं। कॉइल को दूर ले गए तो इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, कम लाइंस इसमें से जाएंगी क्योंकि कुछ बाहर से निकल जाएंगी ऐसी जब वो कॉइल दूर हो जाएगी। तो अब इसमें से जाने वाला फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब फ्लक्स चेंज तो हो रहा है तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब भी फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर करंट फ्लो करा, लेकिन इस बार जो करंट है उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड होगा। पिछली बार यदि ऐसे होगा तो इस बार ऐसे होगा। रीजन क्या कि जब ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ था तो वो फ्लक्स में इंक्रीज होने की वजह से हुआ था, अब जब डिफ्लेक्शन हो रहा है जब अपन कॉइल को दूर ले गए वो फ्लक्स में डिक्रीज होने की वजह से हुआ है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का निडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हुआ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में अपन ने फर्स्ट कॉइल तो वैसी की वैसी ली, जो सेकेंड कॉइल है उसमें एक बैटरी कनेक्ट करी। पिछली बार यहां पर कोई की नहीं लगी थी, मतलब कंटिन्यूस करंट उसमें जा रहा था, इस बार अपन ने यहां पर एक की लगा दी।
की लगा दी है जिससे अपन इसमें जाने वाले करंट को स्टार्ट या ऑन या ऑफ दोनों कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अपन ने क्या करा, इस की को प्रेस किया, जैसे की को प्रेस करा सर्किट कंप्लीट हुआ, इसमें करंट फ्लो करने लगा। इस क्वाइल में करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, उसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करेंगी, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, पहले कुछ भी नहीं जा रहा था, जैसे ही तुमने की को क्लोज करा लाइंस जाने लगे इसमें से, तो फ्लक्स चेंज हुआ, जीरो से बढ़ के कुछ वैल्यू पे आया तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब यदि मान लो तुमने इस की को प्रेस कर दिया था, अब यदि तुम उसको प्रेस ही करके रखो, जैसे ही प्रेस करा तो निडल डिफ्लेक्ट हुई, अब उसको पकड़े रहो ऐसी प्रेस करे रहो, यदि प्रेस करे रहोगे तो इसका मतलब इसमें से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अब वो चेंज नहीं होगा। पहले जीरो से बढ़ के किसी वैल्यू पे आया था क्योंकि पहले तो कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा था, अब यदि तुमने इसको पकड़े रखा तो जितना फ्लक्स उसमें से जा रहा था वो कॉन्स्टेंट हो गया, अब वो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। यदि वो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो गैल्वेनोमीटर की निडल का डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है, ये वापस जीरो पे आ जाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है अपन को कि जो करंट इसके अंदर इंड्यूस होता है, जो इंड्यूस करंट अपन ने पढ़ा, जो करंट इसमें इंड्यूस होता है वो सिर्फ तब तक फ्लो होता है जब तक कि अपन फ्लक्स को बदलते रहते हैं, फ्लक्स को चेंज करते रहते हैं। जैसे ही फ्लक्स इसमें से जाने वाला कॉन्स्टेंट हो जाता है तो ये करंट की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, इसलिए गैल्वेनोमीटर की नडल का जो डिफ्लेक्शन था वो जीरो पे आ गया। ठीक है, अब यदि मान लो अपन ने की को पकड़ के रखा था, प्रेस करके रखा था, अब अपन ने इसको यदि ओपन कर दिया, जैसे ही ओपन करा वैसे ही इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स था अब वो खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ जीरो पे आ गया। अब फ्लक्स चेंज तो हुआ है मतलब करंट फिर इंड्यूस होगा, तो करंट फिर इंड्यूस हुआ, लेकिन इस बार करंट किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से, तो इस बार गैल्वेनोमीटर की निडल फिर डिफ्लेक्ट होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी तो अब की बार ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो तीन एक्सपेरिमेंट करे फैराडे और हेनरी ने, इससे क्या समझ में आया कि जब कभी किसी कॉइल में से जाने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जब तक फ्लक्स में चेंज करते रहोगे तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, तब तक इंड्यूस करंट उसमें फ्लो करता रहेगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फैराडेज लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। अभी जो अपन ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखे थे उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर उसने अपने लॉज बनाए। फर्स्ट लॉ ये कहता है व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अभी अपन ने देखा था कि यदि ये कॉइल है, यहां पर अपन ने एक मैग्नेट लिया, जैसे ही अपन ने इस मैग्नेट को पास में लेकर आए इस कॉइल में से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने लगा, फ्लक्स के पास करने की वजह से यहां पर एक करंट इंड्यूस होता है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब कभी किसी कॉइल में से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। याद रखना फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मैंने बताया था तुम्हें थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में कि यदि तुमने करंट को कांस्टेंट बना दिया, यदि तुमने की को प्रेस करके रखा करंट कांस्टेंट है तो गैल्वेनोमीटर की निडल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो याद रखना जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होता रहेगा, ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of flux. इसका मतलब देखें क्या होता है, इसका मतलब यह है कि फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अभी हमने पढ़ा कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फ्लक्स के चेंज का रेट जितना ज्यादा है उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब फ्लक्स को जितना जल्दी जल्दी चेंज करोगे, इस मैग्नेट को मूव करना है जितना तेजी से मूव करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चाहे तुम पास लाओ चाहे दूर लाओ, लेकिन जितनी तेजी से मूव करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा करंट अपने को इसमें से मिलने वाला।
सेकेंड लॉ है, उसको मैथमेटिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज मतलब फ्लक्स में चेंज अपॉन टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई बाई डी टी के। यहां पर एक माइनस साइन भी आता है, ये जो माइनस साइन है वो एक लॉ से आएगा जो अपन अभी आगे देखने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं लेंजेस लॉ, वो मैं अभी अगले टॉपिक में तुम्हें समझाऊंगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है, ये डी फाई बाई डी टी ऐसे ही है, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर वन होती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ जैसे मैंने बोला वोल्टेज होता है जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो इसकी यूनिट वही रहेगी जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की होती है, वोल्ट्स, ये इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। यदि सिंगल कॉइल है तो ये होता है फॉर्मूला, यदि कॉइल में n टर्न्स हैं, फॉर n टर्न्स e होता है माइनस n d फाई बाय डी टी, ये n टर्न्स के लिए है, और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया वो सिंगल टर्न के लिए वन टर्न। आगे ये कहलाते हैं फैराडेज लॉस। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ वही जिसकी वजह से वहां पर माइनस का साइन आया था, तो मैंने बोला था अगले टॉपिक में बताऊंगा मैं। लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं पहले। लेंजेस लॉ कहता है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है इसका कि किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करा, जिसको अपन ने बोला था इंड्यूस्ड करंट। लेंजेस लॉ यह कहता है कि वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्शन के कारण का विरोध करता है, मतलब वो जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ था उसी वजह को अपोज करता है, ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है इंड्यूस्ड करंट। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज जैसे ये एक कॉइल है, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया जिसकी नेट डिफ्लेक्ट होगी तो पता चलेगा कि करंट फ्लो कर, ये एक मैग्नेट, हम इस मैग्नेट को इसके पास में लेकर आएंगे तो अपन ने पढ़ा था इसमें से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अपन इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास में लेकर आ रहे हैं, लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो करने वाला है वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करे। अब इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसके प्रोडक्शन का कॉज क्या था? इस मैग्नेट का पास में आना, मतलब इस नॉर्थ पोल का जो पास में आना है उसी की वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो इसके अंदर इंड्यूस करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगा कि वो इस नॉर्थ पोल को अपने पास आने से रोक सके। ठीक है, वो ऐसा कब हो सकता है? जब यहां पर नॉर्थ पोल बन जाए, क्योंकि यदि नॉर्थ पोल बना तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, अपने पास आने से रोकेगा। तो इसके अंदर करंट कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि कॉइल का जो ये वाला एंड है वो नॉर्थ पोल बन जाए। अब अपन ने पढ़ा था कि किसी कॉइल में यदि नॉर्थ पोल बनना है तो हमने नॉर्थ पोल का एन ऐसे लिखा, एजेस को ऐसे घुमाया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होता है इसमें। ये कैसा कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां पर करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब अपन मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास में लेकर आएंगे तो जो कॉइल का ये वाला एंड है वहां पर नॉर्थ पोल बनने के लिए इंड्यूस करंट फ्लो करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिससे यहां नॉर्थ पोल बने वो नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करे। अब यदि मान लो अपन उल्टा करते, हम इसको पास में नहीं लेकर आते, सपोज अपन इसको दूर ले जाते,
यदि दूर ले जाते तब भी इसमें से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब भी उसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। लेकिन इस बार करंट क्यों फ्लो कर रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है इसके पास से, तो इस बार करंट यहां पे जो फ्लो करेगा वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो नॉर्थ पोल को दूर ना जाने दे, अपने पास लेकर आए। पास कब लेकर आ सकता है, जब यहां पर नॉर्थ पोल ना बने साउथ पोल बने। तो यहां यदि साउथ बनेगा तो वो नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा। तो अब यदि यहां साउथ बनना है तो अपन ने साउथ का ये एस लिखा, पढ़ा था अपन ने, ये अपन ने एरो बनाया, ये करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब यदि अपन नॉर्थ पोल पास में लेकर आते हैं तो जो ये वाला एंड है जो इसके पास में है वहां पर नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट फ्लो कर रहा था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तो यहां पर साउथ पोल बनने के लिए करंट फ्लो करने लगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं लेंजेस लॉ। तो अब तुम्हें समझ में आया उस माइनस का मतलब, वो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा था कि यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है वो हमेशा ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज का अपोज कर सके, ठीक है। उसके प्रोडक्शन का कॉज क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। तो करंट हमेशा ऐसा फ्लो करता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा था उसके कारण को अपोज कर सके। इसको हम बोलते हैं लेंजेस लॉ।